गायदान इत्यादि होता है ना, विवाह इत्यादि जो भी होता है यहीं पे होते हैं। और ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अंदर ये ध्वनि देखिए, अखंड ध्वनि बोलते हैं इसको, तो धनंजय नाम की अग्नि है, इसी में भगवान शंकर पार्वती जी का सप्तपति फिरा हुआ है। लाजा हम का वेदी जिसको बोलते हैं, यहीं पे भगवान ने फिरा लिया है। देवताओं की जलाई अग्नि है, त्रेता युग से जलती रहती है। कहते हैं त्रेता द्वापर में अपने जलती थी, कलयुग आने पर इसका प्रभाव कम हुआ, तो हम सबके सहयोग से ये जलती है। ये धनंजय नाम की अग्नि जो है युग युग अंतर से जलती रहती है। महाराज भूमि बाप भगवान की शादी कहीं पिछले साल हुई थी, वह शिवरात्रि में 26 शादी ना, 25-26 शादी 2022 में। अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ वैसे शादी करते हैं जैसे लोग ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका कुछ विधि विधान या मान्यता? जैसे ये मान्यता है कि भगवान विष्णु के साक्षी मानकर भगवान दोनों की शादी हुई थी पार्वती माँ की, तो मतलब ये था ना पहले पहले जन्म में माता सती थी ना, वो तो हरिद्वार में सती हुए थे। वो तो सती हुए थे। उसका जब दूसरा जन्म हुआ था यहाँ पर राजमाले के घर में, तो उनकी पत्नी का नाम मैना, मैना की तरफ से जब माता का जन्म हुआ तो उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती उनको अपने पुनर्जन्म किया, क्योंकि जगदम्बा रूप में उनको सब उन्होंने कहा इस जन्म में मेरी शादी जो भगवान शंकर की हो, उन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, जिससे तो भगवान प्रसन्न हुए और उनकी तब ये है पर्वत राज्य हिमालय है आराध्य थे भगवान विष्णु नारायण जिनका ही मंदिर। अच्छा, तो उन्होंने अपने इस देव को साक्षी करके अपनी बेटी का ब्याह कन्यादान को। अच्छा, इसी यात्री लोग यहाँ मानते हमारे आप ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य के लोग आते हैं यहाँ शादी करने के लिए? पहले तो जैसे हरियाणा, पंजाब, लेकिन आप तो हर राज्य से
अच्छा, पर वैसे सबसे ज्यादा क्या होगा इस साल जैसा रहा होगा, अगर लगभग इस साल सबसे ज्यादा कहाँ से आएंगे? इस साल तो अभी तो दिल्ली पंजाब हरियाणा ही पहले चल रहा है। अच्छा, उसके बाद गुजरात महाराष्ट्र। अच्छा, पहले नंबर पर दिल्ली हरियाणा पंजाब। तो जैसे मैं यहाँ पर एक चीज और देखता हूँ पंडित जी, जैसे मैंने आज एक देखा ना कि एक सरदार दुल्ला भी आया था, तो और धर्म वाले कौन कौन से आते हैं? ये तो अपने हिंदुस्तान के सब यहाँ विदेशों से आ रहे हैं। अच्छा जी, विदेशों कौन कौन से देश आए? अमेरिका से, नाइजीरिया से। अच्छा, मतलब बड़े बड़े मतलब यहाँ शादियाँ बहुत होते हैं, मतलब विदेशी लोग भी, विदेशी लोग भी ज्यादा हमारी संस्कृति। और अच्छा, हिंदुओं से के अलावा और कोई धर्म वाला भी आए इधर? हिंदू सिख और या तो कोई विदेशी अपने हिंदू धर्म को मानते ना हुआ। अच्छा, तो क्या कभी यहाँ सामूहिक विवाह भी हुआ? सामूहिक मतलब कि सारा दुल्हन दुल्हन एक साथ बैठ गए? सामूहिक तो यहाँ अभी बहुत कम हुए, एक से एक दो बार हुए ज्यादा। अच्छा अच्छा, सामूहिक बहुत कम, लेकिन अब जब ऐसी जब ये बच जाएगी ना शादी तो फिर सामूहिक शादी हो जाए। अच्छा, इसका एक चीज और है, यहाँ जो विधि विधान है, तो विधि विधान के बारे में थोड़ा सा मेरे को जानकारी चाहिए थी कि जैसे यहाँ किस हिसाब से जो फेरे लिए जाते हैं, किस हिसाब से लिए जाते हैं, फेरे का सिस्टम क्या है, अंदर भी कोई फेरे लिया जाता है? वो पूरी विवाह की विधि भारत है, उसके बाद अंदर हवन होता है। हाँ। वो लकड़ी जैसे हवन होता है। हाँ। जो है वहाँ पर भी फेरे होते हैं, जैसे चार फेरे भारत रहेंगे तो तीन अंदर। अच्छा, चार फेरे बाहर होंगे, तीन अंदर होंगे, अमर धूलि के चारों तरफ? कोई तीन अगर हमने बाहर करें तो चार अंदर चलते हैं। अच्छा, वो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बाहर के साथ? वो तो मतलब यात्रियों को पूछते ना, यात्रियों के। अच्छा अच्छा, यात्रियों को पूछा जाता है। विधान तो एक ही है कि सात फेरे एक ही बार होते हैं। हाँ, लेकिन वो है कि मतलब ये है कि प्रांगण एक ही है, मंदिर का प्रांगण है, तो इसलिए जो यहाँ पानी निकलता है जलधारा पर। हाँ जी, ये इसकी मान्यता क्या है वैसे? ये जलधारा ये जो जल निकल रही है एकदम मंदिर से, मतलब इसका उद्गम वही है। हाँ, जो मंदिर से निकलता है अंदर, जहाँ भगवान की जो मूर्ति है गर्भगृह मीन, तो वहाँ भगवान के चरणों से वो जल निकलता है और वो जल जो है वो आ रहा था। पहले वो अमृत कुंड से होते हुए भगवान के चरणों में जाता है, उसके बाद वो वहाँ से सूर्य कुंड में, सूर्य कुंड से बाहर आता है, फिर सरस्वती कुंड। अच्छा, फिर विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड आता है। तो ब्रह्म कुंड में लोग स्नान करते हैं, विष्णु कुंड का जल जो है पीने के लिए, पूजा पाठ के लिए, आंतरिक बीमारियों के लिए, और फिर सरस्वती कुंड का जल जो है पितरों को तर्पण देने के लिए। अच्छा, अलग अलग मान्यता है। और एक मान्यता यह है कि जो यहाँ का जल निकलता है उसकी निकासी होती है बधाणी ताल में, क्या ये बात? मतलब उसका जो है वो जब यहाँ पर महालक्ष्मी का आयोजन किया जाता है ना। हाँ। वो कभी मतलब 35 साल 40 साल के अंतराल में होता है वो। हाँ। मतलब विश्व शांति के लिए। हाँ। और तो अपने जो नौ चूल्हा पूरा क्षेत्र है ये नाम का। हाँ। तो उनके द्वारा सभी गाँव वालों के द्वारा ये हवन का आयोजन किया जाता है, तो उस समय जो है यज्ञ होता है, तो उस समय जो वो जो है बधाणी ताल में जाता है। जब यहाँ यज्ञ होता है उसके बाद बधाणी ताल में वो देखते हैं। वो जो दिन जी।